बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ राहिल खालिद। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटेम्प्ट किया था, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हैं जिसमें आप लोगों ने ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, राइट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट चूज कर लेते हैं, राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, राइट हैंड साइड हमारे पास स्केल एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्केयर जी एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक्स प्लस वाई प्लस जी, स्टूडेंट ये वाली टर्म आपके पास सेम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम टर्म्स के साथ एक्स। आप लोग यहां पे बड़ी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी, और इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा वाई सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जी सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। जी स्टूडेंट, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, तमाम टर्म्स को, ये थ्री टर्म्स थी, इनके साथ मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले एक्स को सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड ओमेगा वाई को सबसे किया, फिर ओमेगा स्क्वायर जी को सबसे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आपके पास है एक्स प्लस वाई प्लस जी। एक्स सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट इन तीनों टर्म्स के साथ, एक्स स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स जी स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ओमेगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे आप लोग इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तमाम टर्म्स के साथ, एक्स वाई ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा जी से वाई जी, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको इन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म मल्टीप्लाई होगी वाई जी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा फोर। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब। जी स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट से पहले जो हमारे पास वैल्यू थी उनको ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं आप लोग एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स वाई दोनों टर्म्स में कॉमन है, रिमेनिंग क्या बन जाएगा स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं एक्स जी, ये वाला एक्स जी और ये एक्स जी दोनों आपके पास कॉमन है, रिमेनिंग स्टूडेंट आपके पास क्या बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं वाई जी इन दोनों टर्म्स में कॉमन है आपके पास, रिमेनिंग स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर फोर आपके पास बच जाता है स्टूडेंट आपके पास, ये आपके पास स्टूडेंट वाई स्क्वायर और ओमेगा थ्री की जगह स्टूडेंट आपके पास वन बच जाता है। लास्ट में स्टूडेंट आपके पास अगेन जी स्क्वायर ओमेगा थ्री की जगह स्टूडेंट आपके पास वन। दोबारा से देख सकते हैं आप लोग इस स्टेप को, सबसे पहले x स्क्वायर सेम स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में से x y कॉमन है रिमेनिंग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में से x z कॉमन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रिमेनिंग बच जाता है। उसके बाद स्टूडेंट x y z इन दोनों में कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 बच जाता है, ये y स्क्वायर सेम आपके पास और लास्ट में ये z स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट सेम। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे आप लोग x प्लस y प्लस z x स्क्वायर
एक्स वाई स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट हमारे पास माइनस वन के, तो इसकी जगह माइनस वन आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट एक्स जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, माइनस वन आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट वाई जी ओमेगा स्क्वायर, स्टूडेंट इसको हम लोग ब्रेकअप करके लिखेंगे, ओमेगा पावर फोर को ओमेगा थ्री डॉट ओमेगा बन जाएगा हमारे पास, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास बन जाती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं आप लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जी स्टूडेंट आपके पास सेम एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं, ये प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जी, उसके बाद स्टूडेंट वाई जी, और स्टूडेंट ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास वन है, रिमेनिंग ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाता है, तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग बच जाती है, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को हम लोग ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं आपके पास, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी, और स्टूडेंट उसके बाद प्लस वाई जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस वन, ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप लोग, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है आपके पास, x प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस माइनस माइनस वाई जी, ये स्टूडेंट, और स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपके पास किसके इक्वल होती हैं, हमारे पास स्टूडेंट इक्वल होती हैं आपके पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जी, ये तमाम टर्म इसके इक्वल होती है, और यही स्टूडेंट हमने प्रूव कर रहा था, और यही हमारी क्या स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और इसी तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कॉम्प्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास है, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको कहा गया है कि प्रूव दैट वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 8, अप टू सो ऑन आपके पास 2n फैक्टर विच इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इसको हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड किया और राइट हैंड साइड 1 के इक्वल हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट सॉल्यूशन देखेंगे इसका, और लेफ्ट हैंड साइड आप लोग चूज कर लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, अप टू सो ऑन टू एन फैक्टर। तो सुनो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या की चूज कर ली, और हम लोग राइट हैंड साइड 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे, तो
स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा की पावर जो है वो डबल हो रही है, यहाँ पे ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर ओमेगा 4, फिर ओमेगा 8, फिर ओमेगा 16, फिर ओमेगा 32 नेक्स्ट अप सो ऑन। स्टूडेंट आप लोगों को कुछ टर्म्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो आप लोगों को पता है, वो क्या आपके पास स्टूडेंट के 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है। सबसे पहले ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है आपके पास 0 के इक्वल 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल। तो स्टूडेंट ये टर्म्स जो है वो हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट माइनस ओमेगा आ जाता है आपके पास। और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा 4 को आप लोग ब्रेकअप करके ओमेगा 3 डॉट ओमेगा लिख लेंगे, अगर मल्टीप्लाई करें वापस ओमेगा 4 बनता है। और इसी तरह स्टूडेंट इसको 1 प्लस ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे, और लास्ट में आपके पास स्टूडेंट 2n फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो आपके पास ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 1 इनटू ओमेगा आपके पास आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा 6 को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन। स्टूडेंट आपके पास से क्या बन जाता है लास्ट में 2n फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं, स्टूडेंट आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, हम लोग जानते हैं सर। अगेन स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा आपके पास बच जाता है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, एक दफा लिख लें आप लोग 2n फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाता है लास्ट में आपके पास 2n फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है आपके पास अब टू सो ऑन आपके पास 2n फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 1 इन माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब, तो स्टूडेंट आपके पास 2n फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं 1 और ये भी स्टूडेंट ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 2n फैक्टर। और इसी तरह स्टूडेंट हम लोगों के पास ये 1 2n टाइम फैक्टर की तरह हम लोग अगर जाते रहे इसका मतलब क्या है 1 उसके बाद अब टू 1 2n फैक्टर तक हमारे पास चल रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 1, और स्टूडेंट यही हमारी क्या है स्टूडेंट राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि 1 हमारे पास चलता जा रहा है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म्स आ रही है 1 ही हमारे पास आंसर आ रहा है, तो हम लोगों ने लास्ट में लिख दिया और यही हमारा क्या राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं यही हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। और स्टूडेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में लिखकर आप उसका आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।